सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान 22 अप्रैल 1915 को पुंछ के कस्बा रावलाकोट के करीब होरना मेरा गांव में पैदा हुए। उनका ताल्लुक सोदन कबीले से था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद आलम खान था। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने 1933 में पुंछ शहर के हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1938 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA किया। 1940 में रियासती हुकूमत ने उनका तालीमी वजीफा मुकर्र किया और वो बार इत्तला के लिए इंग्लिस्तान चले गए। 1942 में वो बैरिस्ट्री का इम्तहान पास करके वतन वापस आए तो हुकूमत ने उन्हें मीरपुर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP तैनात कर दिया। कुछ अरसा बाद आपको तरक्याब करके बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जम्मू में तैनात कर दिया गया। दौरान मुलाजमत उन्होंने महसूस किया कि वो सरकारी मुलाजमत की पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लिहाजा उन्होंने मुलाजमत को खैराबाद कहकर सियासी मैदान में किस्मत आजमाई का फैसला किया। अक्टूबर 1946 को वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के अहदे से इस्तीफा दे गए और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार कर ली। पुंछ के हल्का इंतखाब से रियासती असम्बली प्रजा सभा के मेम्बर खान मोहम्मद खान ने उन्हें पेशकश की कि वो जनवरी 1947 में होने वाले इंतखाबात में उनकी जगह इस हल्के से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लें। चुनाचा सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जनवरी 1947 में कश्मीर असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेकर कामयाब हो गए। एक आला तालीम याफ्ता मेंबर असम्बली की हैसियत से उन्होंने असम्बली में बावकार किरदार अदा किया। 1946 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर रहनुमा सोल नाफरमानी की तहरीक की पादाश में पसे दीवारे जिंदान थे। चूँकि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान गिरफ्तार नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने इस नाजक दौर में जमायती सतह पर अहम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। मीरवाइज मौलाना यूसुफ शाह और चौधरी हमीदुल्ला खान की बाइमी रकावत के सबब, चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दो धड़ों में तकसीम हो चुकी थी, जमायत को इस इंतशार से बचाने के लिए सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने बुनियादी किरदार अदा किया। 19 जुलाई 1947 को उनके घर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक इजलास हुआ, जिसमें महाराजा हरी सिंह से मुतालबा किया गया कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का इलाक पाकिस्तान से करे। तकसीम हिंद के फौरी बाद जब रियासत जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने लगे तो सरदार इब्राहिम खान अपने एक दोस्त राजा अब्दुल हमीद खान ऑफ मुजफ्फराबाद की रफाकत में 25 अगस्त 1947 को श्रीनगर से निकल कर मुजफ्फराबाद के रास्ते इब्टाबाद पहुँच गए। इसी इसनाब में कश्मीर पर कबायली हमले की तैयारी हो रही थी। इस सिलसिले में मरी, इब्टाबाद, कुछ देगर मकामात पर सलाह और मशवरा जारी थे। सरदार इब्राहिम खान भी उन इजलासों में शरीक हुए। 4 अक्टूबर 1947 को ख्वाजा गुलाम नबी गुलकार की सरबराही में पैरस होटल रावलपिंडी के मकाम पर एक इनकलाबी हुकूमत का क्याम अमल में लाया गया, जिसका हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद को बताया गया। सरदार इब्राहिम खान इस हुकूमत में वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान ने मुसल्ला कबायलियों के जरिए रियासत पर हमला करवा दिया, जिसके नतीजे में कश्मीर का छोटा सा टुकड़ा डोगरा फौज से खाली हो गया। 24 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान की इमाम पर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में आजाद इनकलाबी हुकूमत की तश्कील नो अमल में लाई गई और प्लंदरी को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इन नाजक तरीन लम्हात में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने आजाद हुकूमत के सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। फरवरी 1948 में सरदार इब्राहिम खान को कायदे आजम की इमाम पर अक़वामे मुत्तहिदा में भेजा गया ताकि वो सलामती कौंसल के सामने कश्मीरियों के नुमाइंदे की हैसियत से अपना केस खुद पेश करें, लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा ज़फरुल्लाह खान ने उन्हें सलामती कौंसल के सामने पेश होने और अपना मौक़िफ़ पेश करने से मना कर दिया। चुनाचा सरदार इब्राहिम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए दुनिया को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। 1948 में जब चौधरी गुलाम अब्बास और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमा मकबूजा कश्मीर से रहा करके पाकिस्तान भेज दिए गए तो सरदार इब्राहिम खान ने उन रहनुमाओं को बहसीत सदर आज़ाद कश्मीर खुश आमदीद कहा, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इन रहनुमाओं से सरदार इब्राहिम खान के इख्तलाफात पैदा हो गए। इख्तलाफात का बुनियादी सबब जमायती क़यादत और कुर्सी सदारत थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन खिलाफशार का शिकार होती गई और बल आखिर 3 धड़ों में तकसीम हो गई, जिनमें अब्बास ग्रुप, इब्राहिम ग्रुप और मीर वाइज ग्रुप शामिल थे। 1950 को वज़ारत अमूर कश्मीर ने सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को सदारत से अलग कर दिया। उनकी जगह कर्नल अली अहमद शाह को सदर बनाया गया। 1957 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान दूसरी बार आज़ाद कश्मीर के सदर नामजद हुए और 1959 तक इस मनसब पर फायज रहे। 1959 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल रावलपिंडी में कैद कर दी, जहाँ से 28 रोज बाद उन्हें रहा किया गया। 1961 के आज़ाद कश्मीर के पहले सदारती इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन कामयाब न हो सके। उन्होंने 1970 के सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, लेकिन कामयाब न हो सके। 5 जून 1975 से 30 अक्टूबर 1978 तक वो तीसरी बार आजाद कश्मीर के सदर रहे। चौथी बार 23 अगस्त 1996 से 24 अगस्त 2001 तक वो आखिरी बार इस मनसब पर फायज रहे। 31 जून 2003 को वो इस दारे फानी से कूच कर गए। उनको उनके आबाई गाँव में इस पुरदे खाक किया गया। उन्होंने अपनी आखिरी आरामगाह अपनी जिंदगी में ही तैयार करवा रखी थी। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने आजाद कश्मीर की सियासत में बहुत मुतहरक किरदार अदा किया।
पाकिस्तान की अमराना हुकूमतों और उनकी कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों से वो हमेशा नालान है। ऐसी हुकूमतों से उनके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। यही वजह है कि कुछ अरसे तक उन्होंने आजाद कश्मीर की सियासत से भी किनारा कशी अख्तियार किए रखी। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने मैदान सियासत के अलावा कलमी महाज पर भी खिदमत सर अंजाम दी। उनकी खुद नोश्त सवा उम्र जिंदगी 60 की दहाई में शाया हुई। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर की जंग आजादी के अनवान से उर्दू में एक और किताब लिखी और फिर अंग्रेजी में मसला कश्मीर के हवाले से एक किताब कश्मीर सागा लिखी। इस किताब में उन्होंने एक आजाद रियासत जम्मू कश्मीर को मसला कश्मीर का पसंदीदा हल करार दिया।